Everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do a subsection of Unit 3. Unit 3 is Child Protection and Child Rights Counseling. Unit 3 is from Block 3, MPCE 021, that is MAPC second year counseling psychology students. This video is for you guys. We have already done some portion of this unit. Today I am going to tell you about vulnerable child. हम vulnerable child किसे बोलते हैं और बस इसी के बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे. इससे पहले मैंने जो वीडियोस बनाए हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएंगे. इवन इस यूनिट से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं उनके सबके जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएंगे. फर्दर दो तीन वीडियो और बनाने होंगे इसको इसमें, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है. सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि ये सब्जेक्ट का पार्ट है, बट इसीलिए भी क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारी यंग जनरेशन को के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. और ये हर एक डिपार्टमेंट में पढ़ाया जाने वाला टॉपिक है, चाहे आप कहीं पे भी कोई भी कोर्स कर रहे हो, लेकिन ये वो टॉपिक है जिसके ऊपर अक्सर बात की जाती है और इसके लिए कोर्स कराया जाता है, स्पेशली इफ यू आर इनटू टीचिंग बैकग्राउंड. सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक. टुडेज टॉपिक इज वल्नरेबल चाइल्ड. वल्नरेबल चाइल्ड क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे और क्या क्या कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं उसके बारे में भी बात करेंगे. ये जिस सब कैटेगरी के अंदर है वो है चाइल्ड राइट्स काउंसलिंग. सो बच्चों के हक के लिए जो काउंसलिंग की जाती है वो कैसे की जाती है, उस टॉपिक के अंदर है ये वल्नरेबल चाइल्ड. तो आज हम सिर्फ वल्नरेबल चाइल्ड की क्या डेफिनेशन है, उसको कैसे हम डिफाइन करते हैं, इसी के बारे में बात करेंगे. जहाँ पे आपको टर्म समझ में आता है वल्नरेबल चाइल्ड, इसका मतलब होता है वो बच्चा जो खुद को प्रोटेक्ट करने में असमर्थ है. ऐसा बच्चा जो खुद का बचाव नहीं कर सकता वो वल्नरेबल चाइल्ड माना जाता है. ऐसा बच्चा जो दूसरे पे डिपेंडेंट है अपने सर्वाइवल के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, जब वो दूसरों पे डिपेंडेंट होता है तो हम उसको वल्नरेबल चाइल्ड कहते हैं. ऐसा बच्चा जो डिफेंसलेस होता है, जो खुद को बचा नहीं सकता, जो ऐसे बिहेवियर से एक्सपोज होता है, ऐसी कंडीशन से एक्सपोज होता है, ऐसी सर्कमस्टेंसेस से एक्सपोज होता है जहाँ पे वो खुद को पावरलेस फील करता है, जो अपने को बचाने में अपने आप को बचाने में पावरलेस फील करता है, ऐसी सर्कमस्टेंसेस में अगर कोई बच्चा होता है तो वो वल्नरेबल चाइल्ड माना जाता है. ऐसा बच्चा जो ससेप्टिबल होता है और आसानी से थ्रेटनिंग पेरेंट्स और जो थ्रेटनिंग केयर गिवर होता है उनकी एक्सेसिबिलिटी के अंदर आता है, यानी कि जो खतरनाक माता पिता होते हैं, मतलब ऐसे माता पिता जो नुकसान पहुंचा सकते हैं बच्चे को, ऐसा केयर टेकर जो उस बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है किसी भी तरीके से, अगर वो उनके आसपास आते हैं ऐसे बच्चे और वो आराम से उनके ऊपर टॉर्चर किया जा सकता है, तो वो बच्चे सारे वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं. वल्नरेबिलिटी को अगर हम जज करें तो फिजिकल एंड इमोशनल डेवलपमेंट के ऊपर भी ये जज की जाती है. कैसे कोई बच्चा अपनी नीड्स को कम्युनिकेट करता है, उसकी एबिलिटी क्या है अपनी अपनी ज़रूरतों को बताने की, क्या वो अपनी ज़रूरतों को बताने में एबल है, उसकी मोबिलिटी कितनी है, बच्चा क्या इधर उधर मूव कर पाता है, उसकी साइज कितनी है बच्चे की, कितना छोटा बच्चा है, उसकी डिपेंडेंस कितनी है, ये सारी चीज़ें उसकी वल्नरेबिलिटी को जज करने के लिए यूज़ होती है. हम बच्चे को जब जज करते हैं कि वो कितना वल्नरेबल है तो हम उसकी ये सारी चीज़ें देखते हैं, वो फिजिकली कितना डेवलप्ड है, इमोशनली कितना डेवलप्ड है, क्या वो अपनी ज़रूरतें मुँह से बोल के बता पा रहा है या किसी तरह कम्युनिकेट कर पा रहा है, क्या वो मूवेबल है, इधर उधर मूव कर पाता है, उसकी साइज़ क्या है और वो कितना डिपेंडेंट है दूसरे पर, उसके हिसाब से हम वल्नरेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं. वल्नरेबिलिटी तो आपको समझ आ गया होगा कि वो खुद को खतरे में, कितने खतरे में है कोई बच्चा. जितने भी सारे बच्चे हैं उनकी एज की वजह से
ये तो माना जाता है कि वो एक्सप्लॉयटेशन की रिस्क पे लाई करते हैं, उनको एक्सप्लॉयट किया जा सकता है, बच्चे कोई भी हो वो एक्सप्लॉयट आसानी से हो जाते हैं, एब्यूज़ भी आसानी से हो जाते हैं, उनके ऊपर वायलेंस भी आसानी से कर दी जाती है, उनको निग्लेक्ट भी बड़ी आसानी से कर दिया जाता है, क्योंकि वो उनका खुद का से नहीं हो पाता, क्योंकि उनमें इतनी पावर नहीं होती कि वो अपनी आवाज़ ऊंची बुलंद करके कुछ मांग सके, कुछ कर सके, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। तो वनरेबिलिटी जो है वो मेजर की जाती है बच्चे की कितनी कैपेबिलिटी है कि वो सेल्फ प्रोटेक्ट कर सके, सेल्फ प्रोटेक्शन की कितनी कैपेबिलिटी है, कितना वो खुद को बचा पाता है। क्या एक और चीज़ जो हम देखते हैं वो ये, क्या बच्चा बेसिक नीड्स अपनी पूरी कर पा रहा है, क्या वो डेंजरस सिचुएशन में खुद को डिफेंड कर पा रहा है, क्या वो डेंजरस सिचुएशन को समझ पा रहा है। कभी कभी क्या होता है वो डेंजरस सिचुएशन में होता है और बच्चे को एहसास तक नहीं होता कि वो कुछ ऐसी कंडीशंस में फंसा हुआ है जो उसके लिए बहुत डेंजरस हो सकती है, जानलेवा हो सकती है। तो ये चीज़ें हमें देखनी होती है कि वो अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर पा रहा है या नहीं, क्या वो खुद को डेंजरस सिचुएशन से बचा पा रहा है कि नहीं, क्या वो इतना भी पता लगा पा रहा है कि वो डेंजरस सिचुएशन में है। तो वो एज पे भी डिपेंड करता है। अगेन बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो बच्चे की जो एबिलिटी है नॉर्मली फंक्शन करने की और नॉर्मली ग्रो होने की उसको रोकती हैं। ऐसी कंडीशंस जो 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 फैक्टर्स हैं जो एक बच्चे को नॉर्मली ग्रो नहीं होने देते, नॉर्मली फंक्शन नहीं करने देते, वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं उनके बारे में हम करेंगे, वो कौन से फैक्टर्स हैं। ये देखिए जहाँ पे पिंक हाईलाइट है ये ऊपर वनरेबल चाइल्ड के ऊपर भी हाईलाइट आया था, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ वाई मैं इसको बहुत डिटेल में बता रही हूँ कि वो आपके अंदर तक घुस जाए बात कि ये कितना क्या क्या चीज़ें हैं। और एज सच एज अ सामाजिक पर्सन, एज अ सोशल बीइंग, वी शुड बी अवेयर ऑफ सच थिंग्स। सो नाउ जो बहुत सारे जो फैक्टर्स इसमें बताए हैं जो बच्चे की वनरेबिलिटी को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, बच्चे को खतरे में और ज़्यादा डाल देते हैं, वो कौन कौन से। फर्स्ट है एज विद इन एज। एज विद इन एज का मतलब है यंगर बच्चे, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, जैसे कि 6 साल से भी छोटी उम्र के जो बच्चे होते हैं, जो अपने प्रोटेक्शन के लिए दूसरे पे बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। 6 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को देखो, वो माँ बाप के बिना उसका गुजारा नहीं होता, उसको बचाने के लिए कोई और चाहिए होता है, खुद को बचा नहीं सकता। तो ये एक ऐसा फैक्टर है जो उसकी वनरेबिलिटी को और ज़्यादा बढ़ा देता है। दूसरा फैक्टर है फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेंटल डिसेबिलिटीज़। अगर कोई बच्चा दिमाग से डिसेबल है या शरीर से डिसेबल है, इवन अगर कोई एडल्ट है वो भी बेचारा वनरेबल कैटेगरी में आ जाता है, ये तो बच्चों की बात है जो 18 साल से कम उम्र के लोग हैं और मेंटली या फिजिकली डिसेबल हैं, तो ये ज़्यादा वनरेबल हो जाते हैं, इनको आसानी से लोग अब्यूज़ कर देते हैं, आसानी से निग्लेक्ट हो जाते हैं ये, और इसीलिए इनकी सफरिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई होती है। नेक्स्ट है पावरलेसनेस। अगर बच्चे में खुद को बचाने की पावर नहीं है, ऐसी सिचुएशन और ऐसे लोग बच्चे के आसपास हैं जो उस बच्चे को ऐसी स्टेट में डाल देते हैं कि वो अपनी पावर को हैंडल नहीं कर पाता, तो अगर चाइल्ड को हम पावर देते हैं या तो उसको पावर किसने दी है, स्टेट ने दी है या फैमिली ने दी है या कम्युनिटी ने दी है कि वो पार्टिसिपेट करे और अपने राइट्स को फुलफिल करे, अपने राइट्स के बारे में जाने और उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है उसके बारे में जाने, तो ऐसा बच्चा जिसको पावर दी जाती है वो कम वनरेबल होता है। ऐसा बच्चा जो बोल पाता है, अपने हक के लिए लड़ पाता है, वो कम वनरेबल होता है एज़ कम्पेयर टू जिसको ये पावर नहीं दी जाती। नेक्स्ट है डिफेंसलेसनेस। अगर स्टेट, पेरेंट्स या कम्युनिटी बच्चे को प्रोटेक्शन नहीं देते, तो बच्चा ऐसी कंडीशन में पड़ जाता है जो उसको ज़्यादा वनरेबल बना देता है। अगर बच्चे को और बच्चों का जो अब्यूज़ लॉ होता है, नो चाइल्ड अब्यूज़ लॉ करके एक लॉ है जहाँ पे हम चाइल्ड अब्यूज़ लॉ जो हैं वो इस बेसिस पे बने हैं कि बच्चे के ऊपर अगर अब्यूज़ होता है तो जिसने अब्यूज़ किया है उसको पनिशमेंट होगी। तो अगर ये लॉज नहीं होंगे, चाइल्ड अब्यूज़ लॉ नहीं होंगे, यानी कि स्टेट ने प्रोवाइड नहीं किया कोई लॉ, कंट्री ने कोई प्रोवाइड नहीं किया अगर ये, तो बच्चा अपने आप को डिफेंसलेस फील करेगा, वो खुद को बचा ही नहीं सकता क्योंकि उसके साथ अब्यूज़ होगा, लेकिन वो किस लॉ के हिसाब से किसी को पनिशमेंट दिलाएगा अगर उसके साथ कुछ गलत होता है। तो ऐसी चीज़ें उसको और वनरेबल बना देती हैं। नेक्स्ट है पैसिविटी।
पैसिविटी में क्या है, ऐसी सिचुएशन या ट्रीटमेंट जो बच्चे के साथ हो रही है, जैसे कि मान लीजिए बच्चे को एनस्लेव किया गया है, मतलब मजदूर बना के रखा हुआ है, गुलाम बना के रखा हुआ है, और उसमें इतनी एबिलिटी नहीं है उस बच्चे में कि वो किसी से हेल्प मांग सके या किसी से प्रोटेक्शन मांग सके। तो बच्चे को अगर गुलाम बना के रखा है और वो किसी से हेल्प नहीं मांग पा रहा और तो उस सिचुएशन को हम पैसिविटी कहते हैं कि बच्चे के इतना ज़्यादा वो दबा हुआ है कि वो बोल भी नहीं पा रहा, अपने हक के लिए लड़ भी नहीं पा रहा। सिक्स्थ है जो फैक्टर बहुत ज़्यादा कंपाउंड कर देता है वनरेबिलिटी को, वो है इनविजिबल। इनविजिबल उन बच्चों को कहते हैं जो सिस्टम ने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, सिस्टम जानता ही नहीं है। भारत, मान लीजिए भारत देश में कई इतने सारे बच्चे आपको सड़क पे मिलते हैं, भीख मांगते हुए दिखते हैं, क्या पता उनमें से कौन से देश से, बांग्लादेश से भाग के आया है, नेपाल से भाग के आया है, कहाँ से भाग के आया है। अगर सरकार ने उसके बारे में, सरकार के पास डाटा नहीं है तो वो इनविजिबल माना जाएगा, मतलब भारत देश में वो रहता ही नहीं है, वो भारत देश में घूम रहा है लेकिन क्योंकि उसके लिए उसके उसका कोई डाटा हमारे पास नहीं है तो वो इनविजिबल माना जाएगा, वो है नहीं। वो है, एग्जिस्ट करता है लेकिन रिटर्न रिकॉर्ड्स में वो एग्जिस्ट नहीं करता। सो ऐसे बच्चे हाईली वल्नरेबल होते हैं क्योंकि वो अपनी एग्जिस्टेंस प्रूव ही नहीं कर सकते। कैन यू इमेजिन द सीवियरिटी ऑफ द सिचुएशन, कितना खतरनाक है ये चीज़। और हम आसानी से ऐसे बच्चों को भीख पकड़ा देते हैं और वो एक गैंग को वो कमाई करके देता रहता है, और ऐसे लोग जो कुछ नहीं करना चाहते वो उनके लिए, वो छोटा सा बच्चा जिसकी कोई रिटर्न कुछ नहीं है, वो भीख मांग मांग के उनको दे रहा होता जाके। सो ऐसी सिचुएशन है हमारे देश की। हमें इसके ऊपर, अगर हम एक एक इंसान इस चीज़ के लिए अवेयर नहीं होंगे तो सोचिए कितनी 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 खतरनाक चीज़ है ये। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम जो है, ICPS जिसे कहते हैं, ये वनरेबिलिटी को दो कैटेगरीज में डिफाइन करती है। पहला है चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, इस कैटेगरी में वनरेबिलिटी को डिफाइन करती है, एंड दूसरी चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, ऐसे बच्चे जो लॉ के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है। अब इनके बारे में हम डिटेल जानेंगे। पहला जो केस है चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, उसमें कौन से बच्चे आते हैं, यहाँ पे इन्होंने कैटेगराइज किया है। आई विश यहाँ पे इन्होंने नंबर डाले होते बट इन्होंने नहीं किया, तो यहाँ से ये शुरू करते हैं। चाइल्ड हु, यहाँ से शुरू करते हैं, डज नॉट हैव अ होम और शेल्टर एंड नो मीन्स टू ऑब्टेन सच एन एडोबे। तो ये कह रहे हैं ऐसा बच्चा जिसको नीड और प्रोटेक्शन की जरूरत है, वो पहला ऐसा बच्चा जिसका खुद का घर नहीं है, कोई शेल्टर नहीं है, और अपना घर आशियाना ढूंढने का कोई तरीका भी नहीं पता उस बच्चे को, वो आ जाएगा इस कैटेगरी में, ऐसा बच्चा जिसको केयर एंड प्रोटेक्शन चाहिए। दूसरी कैटेगरी में वो बच्चे आते हैं जो ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो उनको नुकसान पहुंचाते हैं, उन बच्चों को, वो बच्चे ऐसे खतरनाक लोगों के साथ रहते हैं जो उस बच्चे के लिए खतरा है, और वो जो लोग हैं जो उसके लिए खतरा है वो कभी भी उसको हार्म पहुंचा सकते हैं, उसको किल कर सकते हैं, उसको अब्यूज कर सकते हैं, उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं, उसको भी नीड और प्रोटेक्शन की जरूरत है। थर्ड, ऐसे बच्चे जो मेंटली और फिजिकली हैंडीकैप हैं, या फिर उनमें कोई इलनेस है, या उनकी टर्मिनल या इनक्योरेबल डिजीज है, एंड इनको कोई भी केयर एंड प्रोटेक्शन का कोई किसी से कोई सहारा मिलने नहीं वाला है, और कोई है ही नहीं जो उन्हें देगा ऐसा कुछ केयर, वो भी नीड एंड केयर वाली कैटेगरी में आते हैं। ये वाले जो ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स या गार्डियन है तो है लेकिन वो अनफिट है, या किसी तरह से उस बच्चे का टेक केयर नहीं कर पा रहे, उनको भी नीड एंड प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। और कौन कौन से बच्चे नीड एंड प्रोटेक्शन के लिए जरूरतमंद है, जो ऑर्फन है, अनाथ बच्चे हैं जिनकी कोई फैमिली नहीं है, और या फैमिली में कोई नहीं है जो उनकी टेक केयर कर सकता है, या ऐसे बच्चे जो भाग के कहीं से आए हैं, या ऐसे बच्चे जो जिनके पेरेंट्स मिसिंग है और बहुत कोशिशों के बाद भी उनके पेरेंट्स उन्हें मिल नहीं पाए हैं, ऐसे बच्चे भी केयर एंड प्रोटेक्शन के हकदार हैं। और कौन से बच्चे केयर एंड प्रोटेक्शन के हकदार हैं, ऐसे बच्चे जिनमें सेक्सुअली, मेंटली, इमोशनली और फिजिकली अब्यूज होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, उन पर टॉर्चर और एक्सप्लॉयट होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, उनको भी केयर एंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। ऐसे बच्चे जिनको, जिनकी ट्रैफिकिंग हुई है, मतलब कहीं से चुरा के लाए गए हैं, या ड्रग सब्सटेंसेस का अब्यूज़ किया गया है, ऐसे बच्चे जो
ड्रग का अब्यूज़ करते हैं, वो उनको भी केयर एंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। ऐसे बच्चे जिनको इस तरह से अब्यूज़ किया गया है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, उनको इसीलिए अब्यूज़ किया गया है और अनथिंकेबल गेंस के लिए किया गया है, इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए, मतलब जो हमारे दिमाग में आ भी नहीं सकती, इतनी गंदी चीज़ के लिए उनको अब्यूज़ किया गया है। ऐसे बच्चों को भी केयर एंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। और ऐसे बच्चे भी जो आम कॉन्फ्लिक्ट के शिकार होते हैं, यानी कि जो हथियार होते हैं ना उसकी स्मगलिंग करते हैं, ऐसे बच्चे भी होते हैं, बच्चों से स्मगलिंग कराई जाती है क्योंकि बच्चों पे कोई शक नहीं करता। सिविल अनरेस्ट जो शहरों में दंगे फसाद होते हैं उसमें जो कई बार बच्चों के थ्रू करवाए जाते हैं, बच्चों से क्योंकि बच्चों पे के अगेंस्ट ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग लॉ नहीं बना, बच्चों को स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट नहीं होती, तो बच्चों को यूज़ करना बहुत आसान हो जाता है। दैट इज़ वाई सिविल अनरेस्ट के लिए वो बच्चा विक्टिम है उस चीज़ का, या विक्टिम होना मतलब उनके ऊपर ये हुआ है, शहर में कुछ दंगे हुए और दंगों का शिकार हो गया वो बच्चा, अगेन नेचुरल डिज़ास्टर का कोई बच्चा शिकार हो गया, तो ऐसे बच्चों को केयर एंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। दूसरा जो हमने ऊपर देखा था, मैं एक बार स्क्रॉल अप करूँगी, यहाँ पे इन्होंने लिखा था ना ICPS ने दो कैटेगरी बताई हैं, पहली जो नीड एंड प्रोटेक्शन में कौन कौन बच्चे आते हैं वो मैंने अभी आपको बताया, अब मैं बताऊँगी चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, ऐसे बच्चे जिनका लॉ के साथ कुछ गड़बड़ चल रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो जुवेनाइल्स होते हैं, मतलब 18 साल से कम उम्र के जो लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, उन्होंने कुछ ऐसा क्राइम किया है जो IPC कोड के अंडर पनिशेबल माना गया है। IPC कोड ये कहता है, IPC का मतलब होता है इंडियन पीनल कोड, इंडियन पीनल कोड ये कहता है कि ये ऐसी चीज़ है जो बच्चे ने जो किया है वो क्राइम माना गया है IPC के अंदर, तो उन बच्चों को हम बोलते हैं चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। उन दो ऊपर जो कैटेगरीज हैं उसके अलावा दो और कैटेगरीज हैं जिनके बारे में हम समझेंगे, वो कौन कौन सी है वो आप देखिए। थर्ड कैटेगरी जो है बच्चों की वो है चाइल्ड इन कॉन्टैक्ट विद लॉ, ऐसे बच्चे जो लॉ के कॉन्टैक्ट में है, ये चिल्ड्रन वो हैं जो क्राइम के विटनेस होते हैं या फिर विक्टिम होते हैं। कोई ऐसा बड़ा क्राइम हुआ है, मान लीजिए बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, और उस बच्चे ने वो देखा है कि किसने बॉम्ब डाला था, किसने बॉम्ब रखा था, या बॉम्ब में जब वो जो टेररिस्ट है उनको किसी को पहचानता होगा, तो ऐसे बच्चे को बोलते हैं चाइल्ड इन कॉन्टैक्ट विद लॉ। ये थर्ड कैटेगरी के बच्चे हैं जिनको जो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, उनको जान की हमेशा खतरा रहता है। इसके अलावा और भी इन्होंने ग्रुप्स बताए हैं जो ICPS ने आउटलाइन किए हैं, वो कौन कौन से हैं, यहाँ पे बहुत सारी लिस्ट है बड़ी वाली। क्या क्या है? चिल्ड्रन ऑफ पोटेंशियली वल्नरेबल फैमिलीज, ऐसे बच्चे जो वल्नरेबल फैमिलीज से बिलोंग करते हैं, फैमिलीज या फैमिलीज एट रिस्क, ऐसी फैमिलीज जो रिस्क पे है वो, उसके बच्चे, या चिल्ड्रन ऑफ सोशली एक्सक्लूडेड ग्रुप्स, ऐसे बच्चे जो लाइक माइग्रेंट फैमिलीज, जो बच्चों को बाहर निकाल दिया गया है या दूसरी जगह से मूव करके आए हैं, ऐसे बच्चे वो भी वल्नरेबल माने गए हैं। फैमिलीज लिविंग इन एक्सट्रीम पावर्टी, जो बहुत गरीबी में रहने वाली फैमिलीज हैं उनके बच्चे भी वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और बाकी बैकवर्ड क्लासेस के जो बच्चे हैं वो भी वल्नरेबल कैटेगरी के माने गए हैं। फैमिली सब्जेक्टेड टू और अफेक्टेड बाय डिस्क्रिमिनेशन, ऐसी फैमिलीज जिनके साथ भेदभाव होता है, अन्याय होता है, वो उसके बच्चे। माइनॉरिटीज, चिल्ड्रन अफेक्टेड बाय HIV/AIDS, ऐसे बच्चे जो माइनॉरिटी में हैं, या ऐसे बच्चे जो एड्स या HIV से अफेक्टेड है, या ऑर्फन्स हो गए, या ड्रग अब्यूज़र्स हो गए ऐसे बच्चे, या सब्सटेंस अब्यूज़र्स हो गए, या चाइल्ड बैगर्स हैं जो भीख मांगते बच्चे वो वाले, ट्रैफिक्ड और सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेड बच्चे जिन बच्चों के साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुआ है वो बच्चे, चिल्ड्रन ऑफ प्रिजनर्स, जो जेल में लोग रहते हैं उनके जो बच्चे होते हैं वो उनके बच्चे भी बहुत ज़्यादा वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं। स्ट्रीट एंड वर्किंग चिल्ड्रन, ये भी वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं। तो वल्नरेबल चिल्ड्रन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल होते हैं किस चीज़ के? अब्यूज़ के,
एक्सप्लॉयटेशन के एंड निग्लेक्ट के, यानी इनको बहुत ज़्यादा एब्यूज़ किया जाता है, इनको बहुत एक्सप्लॉयट किया जाता है और बहुत ज़्यादा निग्लेक्ट किया जाता है, इनका इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, इनको टॉर्चर किया जाता है, इनको मारपीट की जाती है, गालियाँ दी जाती हैं, जितना हो सके टॉर्चर के अंदर जो चीज़ें आती है वो सारी की जाती हैं। तो फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल अबाउट वनरेबल चिल्ड्रन। वनरेबल चाइल्ड क्या है और किस किस कैटेगरी में आते हैं, कैसे इनकी वनरेबिलिटी बढ़ जाती है, किन कारणों से बढ़ जाती है और कितनी पीड़ा से रहते हैं वनरेबल चाइल्ड, उसके बारे में हमने आज समझा। आई होप आपको मेरे वीडियोस यूज़फुल लगते हैं, और अगर ऐसा है तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट समझें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्ञान हो, लोगों को सही चीज़ का ज्ञान हो। एक्चुअली मैं अपनी शक्ल नहीं दिखाती, कई लोग बोलते हैं आप सामने आके क्यों नहीं बताते हो, आप ऐसा बुक्स क्यों दिखाते हो। बुक्स इसीलिए दिखाते हो क्योंकि आप अपनी आँखों से देखें क्या लिखा है। मेरी शक्ल पे तो कुछ नहीं दिखेगा, मेरी शक्ल ही दिखेगी सिर्फ, और मैं लाइव सेशंस में आके अपनी शक्ल दिखा जाती हूँ। सो मेन आइडिया इज जो लिखा है सामने किताबों में वो आप भी मेरे साथ साथ देखें। ये मेरा मेन रीज़न है मैं क्यों अपनी शक्ल नहीं दिखाती, सिर्फ बुक दिखाती हूँ। ये मेन आइडिया है और कुछ नहीं। सो आई होप मेरे वीडियोज़ और मेरे आइडियाज़ आपको सब पसंद आते होंगे, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, एंड बस देखते रहिए, सीखते रहिए। Take care of yourself. Thanks for watching. Bye-bye.